हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट घंटा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीएस के बारे में। वीडियो अच्छी और अपने वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक जो करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, आज की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ जो 29 अप्रैल 2022 की टाइमलाइन है। रिव्यू इनका स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई को एंड 5 अगस्त 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन सिंगल एसओडब्ल्यूपी वीजा फाइल्ड है इनका 29 अप्रैल 2022 की। एक और टाइमलाइन है 6 मई 2022 को इनके बायोमेट्रिक हुए, 6 मई को ही इनके बायोमेट्रिक अपडेट हुए। रिव्यू स्टार्ट इनका 21 जुलाई 2022 को हुआ, 5 अगस्त 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। एंड इनका जो वीजा ऑफिस है वो अटावा था एंड इनके जो स्पाउस का स्टेटस है वो स्टडी परमिट है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन फाइनली गॉट पीपीआर। अप्लाई डेट है 25 मार्च 2022 की, 6 अप्रैल को बायोमेट्रिक हुए, मेडिकल हुआ इनका 4 जुलाई का, 22 जुलाई को मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी, 1 अगस्त को मेडिकल अपडेट हुआ एंड उसके बाद 5 अगस्त 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 5 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। 10 मार्च को इनके बायोमेट्रिक हुए, बायोमेट्रिक अपडेट सेम डे हो गए थे 10 मार्च 2022 को। रिव्यू रिक्वेस्ट इनको 27 जुलाई 2022 को मिली, 2 अगस्त को इनका मेडिकल अपडेट हो गया, रिव्यू स्टार्ट इनका मई या जून में हुआ एंड उसके बाद 4 अगस्त 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगली टाइमलाइन जो 28 मई 2022 की टाइमलाइन है। बायोमेट्रिक इनके 7 जून को हुए, रिव्यू स्टार्ट इनका 5 अगस्त को हुआ, फाइल सीरीज है इनकी W3061। सो फाइनली इनको भी 5 अगस्त को ही पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 15 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। 15 मार्च 2022 को ही इनकी सबमिशन कंफर्मेशन हुई एंड उसके बाद इनको 5 अगस्त 2022 को फाइनली पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 29 मई 2021 की पहले इनकी टाइमलाइन थी। इनको रिजेक्शन मिली थी फर्स्ट टाइम 24 मार्च 2022 को, सेकंड टाइम इन्होंने अप्लाई किया था 3 अप्रैल 2022 को, रिव्यू स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई को एंड उसके बाद 5 अगस्त को पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन। अपफ्रंट मेडिकल था इनका 28 अप्रैल का, एप्लीकेशन डेट है 1 मई की एंड उसके बाद बायोमेट्रिक 5 मई को, मेडिकल अपडेट 20 मई 2022 को हुआ, रिव्यू स्टार्टेड 19 मई एंड डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इनको 30 जुलाई को मिला जिसमें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप फोटोज एंड चैट्स इनसे मांगी गई थी। डॉक्यूमेंट सबमिट किया इन्होंने 31 जुलाई को एंड डॉक्यूमेंट एक्नॉलेज्ड हुए इनके 1 अगस्त को एंड फाइनली 5 अगस्त 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगले टाइमलाइन जो 4 अप्रैल 2022 की टाइमलाइन है। बायोमेट्रिक अपडेट इनके 12 अप्रैल 2022 को हुए, मेडिकल अपडेट 4 मई 2022 को हुआ एंड 30 जून 2022 को रिव्यू स्टार्ट हुआ था, 5 अगस्त 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई एंड इनकी जो सिंगल एसओडब्ल्यूपी फाइल सीरीज है 3070 है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगले टाइमलाइन। अप्लाइड ऑन 1 अप्रैल 2022, बायोमेट्रिक हुए थे इनके 8 अप्रैल 2022 को डन एंड अपडेट सेम डे हो गए थे, 23 मई 2022 को इनका मेडिकल हुआ, रिव्यू स्टार्टेड हुआ था इनका 9 जुलाई या 11 जुलाई को एंड फाइनली 5 अगस्त को इनको पीपीआर मिल गई। एंड इन्होंने बताया कि इनकी एप्लीकेशन सीरीज थी 3070 एंड कनेडियन फंड्स थे इनके पास $10,000, इंडियन फंड्स थे इनके पास 6 लाख। एंड उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगले टाइमलाइन। मेडिकल अपफ्रंट था 10 मार्च का, 5 अप्रैल की फाइल है ये। बायोमेट्रिक डन हुए इनके 12 अप्रैल को, 4 मई को मेडिकल पास हुआ था, 10 जुलाई को इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद कल 5 अगस्त 2022 को इनको भी पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 7 अप्रैल 2022 की टाइमलाइन है। 7 अप्रैल को ही इनकी सबमिशन कंफर्मेशन हुई एंड 7 अप्रैल 2022 को इनके बायोमेट्रिक भी जीसीके में अपडेट हो गए। सो नेक्स्ट इनको फाइनली 5 अगस्त 2022 को कल पीपीआर मिल गई। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके आना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन बाय बाय।